हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी के तरफ से राज्य भर में बीडीओ ऑफिस का घेराव किया गया और इसी कड़ी में आसनसोल दक्षिण ग्रामीण मंडल 4 की तरफ से रानीगंज ब्लॉक बीडीओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने बीडीओ अभीक सरकार से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बीडीओ ऑफिस परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी के तरफ से राज्य भर में बीडीओ ऑफिस का घेराव किया गया। इसी कड़ी में आसनसोल दक्षिण ग्रामीण मंडल 4 के तरफ से रानीगंज ब्लॉक के बीडीओ ऑफिस का घेराव किया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता बीडीओ कार्यालय पहुंचे और पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस सरकार एवं पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। पंचायत बोर्डे क्या लो वोट लूट होलो वीडियो साहेब जवाब दाओ वोट लूट होलो वीडियो साहेब जवाब दाओ जवाब जाए जवाब दाओ एक जवाब तुम्हें दिते हमें नहीं होती जवाब तुम्हें दिते हमें नहीं होती जवाब हमें। बाद में बीजेपी नेताओं ने बीडीओ अभीक सरकार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बीडीओ ऑफिस परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रानीगंज थाने के आईसी सुदीप दास गुप्ता और आमरासोता पुलिस फाड़ी के प्रभारी मानव घोष भी मौजूद थे। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संदीप गोप ने आरोप लगाया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन से लेकर मतदान और फिर मतगणना के दिन भी तृणमूल कांग्रेस ने जमकर धांधली की है। तृणमूल कांग्रेस को पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने में पुलिस प्रशासन ने सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर बीजेपी प्रत्याशियों पर हमले किए गए और उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में बैठने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दिन भी बीजेपी के काउंटिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी के विजयी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र देने में भी काफी विलंब किया गया। पंचायत चुनाव में जीत कर आए बीजेपी प्रत्याशियों को अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए डराया धमकाया जा रहा है। नॉमिनेशन থেকে শুরু করে আপনার ভোট পর্যন্ত যে সন্ত্রাস তৃণমূল চালিয়েছে তার প্রতিবাদে আজ আমরা পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা ভিডিওতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি। হচ্ছে ধরুন ভোটের অনেক জায়গাতেই কাউন্টিং এজেন্টদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বসতে দেওয়া হয়নি, প্লাস বাক্সগুলোকে চেঞ্জ করে নেওয়া হয়েছে এবং যেইভাবে এখনও যে দু চারটে আমাদের জিতে আছে এদিক থেকে তাদেরকে ধমকি দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যদি তৃণমূল জয়েন না করো তাহলে তোমাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেবো, পুড়িয়ে দেবো, তোমাদের এলাকায় থাকতে দেবো না। এসব বিষয় নিয়ে আমরা প্রশাসনের কাছে একটু চোখ ইয়ে করলাম যে আপনি রেগুলার দেখুন, তা নাহলে পরিস্থিতি খারাপ হলে তখন প্রশাসনই দায়ী হবে। वहीं दूसरी तरफ बीडीओ अभीक सरकार ने बीजेपी के तरफ से चुनाव में धांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई है। बोलार किछु नहीं, आमरा निर्वाचन सुस्थ भावे करेछि, जतटा फ्री एंड फेयर करा जाए आमरा सेटा करेछि परिस्थितिर उपर भित्ति करे। ওনারা কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন, আমাকে দিয়েছেন, সেটা আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অথরিটির কাছে জানাবো। বলছে ভোট হওয়ার পরও এখনো শান্তি চলছে? হ্যাঁ, তার জন্য পুলিশ দেখছে, সেন্ট্রাল ফোর্সও এখনো ডিপ্লয়েড আছে, তারা মোবিলাইজ করছে, এরিয়া নমিনেট করছে, সেগুলো চলছে। রানিগঞ্জ থেকে সঞ্জয় ভণ্ডারী কি রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আপনি ঘর কো দিজিয়ে সবসে মজবুত ফাউন্ডেশন, দিজিয়ে মজবুতি কা ডোজ। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।